थाना जगदीशपुरा अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी राजेश मिश्रा द्वारा स्थानीय लोगों के लाखों रुपए हड़पने का मामला आया सामने, जहां पैसे मांगने पर खुद को पुलिस कर्मी बताने वाला राजेश मिश्रा सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा आज SSP आगरा से गुहार लगाई कि लॉटरी संचालक के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में मुकदमा कायम है, कठोर कानूनी कार्रवाई कर पैसा वापस दिलाया जाए। कहाँ से आए हो आप लोग? क्या मामला हुआ है? क्या मामला है? मामला लॉटरी का है। क्या लॉटरी बता दो क्या है? राजेश मिश्रा था, लॉटरी डालता था, हमारी 3 लाख की लॉटरी है, पैसा लेके भाग गया, पैसा नहीं दे रहा, पुलिस नहीं कर। कितनी साल से आप लोग उसके बाद लॉटरी डाल लेते हैं? 11 से लॉटरी डाल देते। कितने रुपए की लॉटरी डाली थी? हमारी 3 लाख की थी लॉटरी। आप क्या कह रहा? 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की लॉटरी थी, मना करना देने के लिए। कोई कंप्लेंट करी है? कुछ भी करी है? पुलिस में सीओ को भी करी है, थाने में। कौन से थाने का मामला है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रही है कि हमसे पूछ के डाली थी लॉटरी। अच्छा, फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं? हम पैसा चाहते हैं, शादी है सर 9 फरवरी को, और सर यही मेरा रहेगा शादी को, शादी का पैसा उसके पास। आपकी शादी है? हाँ जी सर। मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी सर। ठीक, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं सर, कोई नहीं, कोई बुलाई नहीं रहा सर, हमें डेट पे डेट दे रहे हैं कि वो कल आएगा सर, यही रह रहा है, थाने में रह रहा है, यही पास में रह रहा है, और हमसे बोल रहे हैं कि वो है नहीं। लगा क्या काम करता है वो? सर फायर ब्रिगेड में है। कितने रुपए की लॉटरी थी? और सर मेरा 1 लाख जून में पूरा हो गया, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, इनकार कर रहे हैं पैसा में। क्यों मना कर रहे हैं? अब कह रहे मेरे घर में आग लग गई है, फिर नहीं दे रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। आप क्या चाहती हो? मैं अपना पैसा चाहती हूँ, मैं पूरी लॉटरी खड़ी हूँ, मेरा पूरी हो गई है। अच्छा, मुझे पैसा दे रहे हैं। कितने लोगों ने पैसा मान लिया? नहीं, आप बताओ कितने लोगों का पैसा मान लिया, आप बताइए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।